डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमे है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले रिसर्च एप्टीट्यूड में क्लास 9 में थर्स्टन स्केल, गुडमैन स्केल, लाइकर्ट स्केल और सिमेंटिक डिफरेंशिएट स्केल की। ये स्केल हमारे टाइप ऑफ एटीट्यूडिनल स्केल है दोस्तों। इनमें से हमारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि पहले हम इनसे रिलेटेड थ्योरी करेंगे और उसके बाद में 2012 से लेकर आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं उस सभी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आ चुके हैं वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं इन स्किल्स को। टाइप ऑफ एटीट्यूडिनल स्किल, देखिए इनको एटीट्यूडिनल स्किल क्यों बोला जाता है, कई बार तो हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं भी एटीट्यूडिनल स्किल कौन से और मेजरमेंट स्किल कौन से हैं। एटीट्यूडिनल स्किल वो होते हैं जो हमारी फीलिंग, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छा को व्यक्त करते हैं, उनको हम एटीट्यूडिनल स्किल बोलते हैं। और ये किस तरह से हमारी फीलिंग को व्यक्त करते हैं वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। और इसमें मुख्य रूप से चार तरह के स्किल है, थर्स्टन स्केल, गुटमैन स्केल, लाइकर्ट स्केल और सिमेंटिक डिफरेंशिएट स्केल, ये है इसमें। अब देखिए सबसे पहला जो स्केल है वो है थर्स्टन स्केल है, और उससे पहले इनको कौन से स्केल माना जाता है, इनको क्वालिटेटिव स्केल माना जाता है। ये इंसान की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, वो कैसा सोचता है उस बारे में बताता है। अब देखिए थर्स्टन स्केल क्या है, थर्स्टन स्केल आर आल्सो कॉल्ड इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल, इसको हम इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल भी बोला जाता है इसको, और ये एग्जाम में आया हुआ है। कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे भी इस स्केल को और कौन से स्केल के नाम से बोला जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इट यूज टू ट्रैक रिस्पोंडेंट्स बिहेवियर, एटीट्यूड और फीलिंग टुवार्ड ए सब्जेक्ट, ये किसी भी सब्जेक्ट के प्रति व्यक्ति की क्या फीलिंग है, क्या उसका एटीट्यूड है और क्या वो सोचता है, उसको ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस स्किल कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट ए पर्टिकुलर इशू और टॉपिक वेयर ईच स्टेटमेंट हैज ए न्यूमेरिकल वैल्यू और इट इंडिकेट्स द रिस्पोंडेंट्स एटीट्यूड टुवार्ड द टॉपिक और फेवरेबल और अनफेवरेबल। इसमें क्या होता है कि एक हमें मुद्दा दे दिया जाता है और उस मुद्दे के बारे में हमारी क्या राय है वो हमें व्यक्त करनी होती है, और हर राय का एक नंबर डिसाइड किया हुआ होता है। जैसे मान के चलिए अगर हमें आज ये दे दिया जाए सोशल मीडिया के लिए आप क्या सोचते हैं, सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या सोचना है, वहाँ पे चार ऑप्शन दे दिए। नंबर एक पे सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा है, इससे हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा है। नंबर दो पे हो सकता है भाई सोशल मीडिया से हमें बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है आज के समय में। नंबर चार पे दे दिया सोशल मीडिया से हमारे जो रिलेशनशिप है वो खराब हो रहे हैं। नंबर पाँच पे दे दिया, चार पे या पाँच पे ये दे देंगे भाई सोशल मीडिया से आज हम बहुत एम्पावर हो रहे हैं, आज हमारी अर्निंग हो रही है, काफ़ी लोग इससे अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो अब हर इंसान की उसके बारे में फीलिंग अलग अलग हो सकती है, अलग अलग सोचना हो सकता है, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसमें से एक स्टेटमेंट सेलेक्ट करके अपनी जो राय है वो व्यक्त कर सकते हैं, तो इसको हम थर्स्टन स्केल बोलते हैं दोस्तों। और इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आगे दोस्तों हमारा गुटमैन स्केलिंग है, और गुटमैन स्केल को हम स्केलोग्राम स्केल भी बोलते हैं। ये स्केल किस तरह का होता है दोस्तों, यह स्केल इस विचार पर आधारित है कि वस्तु को एक निरंतरता के साथ इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि
एक व्यक्ति जो किसी वस्तु से सहमत है या किसी वस्तु को स्वीकार पाता, वह अन्य सभी वस्तुओं से भी सहमत होगा या स्वीकार करेगा। अब देखिए, मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, कोई व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी जी की बातों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, कोई भी उसके पास अगर नरेंद्र मोदी की बात लेके आएगा तो उसको वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह से हमारे स्केल के अंदर ऐसा होता है कि हमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से दिए जाते हैं कि अगर हम 3 क्वेश्चन पे एक्सेप्ट हो जाते हैं तो तीसरे जो चौथा क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन, उस पर हम अपने आप सहमत हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उससे आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 यहाँ पे राय दी गई है। टीवी पर अश्लील प्रोग्रामिंग समाज के लिए हानिकारक है, ठीक है, ये चीज़ हमने मान ली भी, हाँ टीवी पर अश्लील कार्यक्रम आते हैं वो हानिकारक है, ठीक है। अगली है, बच्चों को अश्लील टीवी शो देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये बात भी इसकी सही है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, टेलीविज़न स्टेशन प्रबंधकों को अपने स्टेशन पर अश्लील कार्यक्रम की अनुमति नहीं देनी चाहिए, यानी कि अडल्ट कंटेंट यहाँ पे नहीं पब्लिश होने चाहिए, ये चीज़ भी हमने मान ली। अब देखिए, जो व्यक्ति इन ऊपर की 3 स्टेटमेंट से सहमत होगा वो चौथी स्टेटमेंट से भी अपने आप सहमत हो जाएगा, सरकार को टीवी से अश्लील प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, इस बात से वो ऑटोमेटिक सहमत हो जाएगा। जो पिछली 3 बातों से सहमत है वो चौथी बात से भी सहमत हो जाएगा। और एक मिनट रुकिए भाई इसमें। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस तरह के स्किल में जो व्यक्ति पिछली जितनी भी स्टेटमेंट से हमने दी है उनसे सहमत है, तो आगे वाले स्टेटमेंट से वो सहमत होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें लाइकर्ट स्केल की बात करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सुमेटेड रेटिंग स्केल। आप ये याद रखना दोस्तों, कौन से स्केल को क्या बोला जाता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और ये किस तरह से होता है दोस्तों, इसमें किसी विषय के संबंध में कई कथन विकसित किए जाते हैं और जो उसमें उत्तर पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं कि आप उससे कैसे सहमत हैं। आप दृष्टा से सहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, तटस्थता से सहमत हो सकते हैं, या फिर असहमत हो सकते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसको, ए नंबर ऑफ स्टेटमेंट आर डेवलप विद रिस्पेक्ट टू ए टॉपिक एंड रिस्पोंडेंट कैन स्ट्रॉन्गली एग्री बी नेचुरल डिसएग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। वो किसी भी चीज़ से सहमत हो सकता है, असहमत हो सकता है, या फिर बिल्कुल ही असहमत हो सकता है, तो वो अपनी फीलिंग उसके प्रति जाहिर कर सकता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये का आप देख सकते हैं, ये देखिए, ओनली US सिटीजन शुड बी अलाउड टू ऑन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। केवल US सिटीजन को ही अलाउ करना चाहिए ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ऑन करने के लिए। तो हम इसमें अपनी राय दे सकते हैं, भाई हम इससे स्ट्रॉन्गली एग्री है, नेचुरल है, डिसएग्री है और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है। अब जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, अब इस पर हमें अपनी राय देनी है, हम इससे सहमत हैं, हम असहमत हैं, हम नेचुरल है, क्या है, हम उस पर अपनी राय दे सकते हैं। तो इस तरह के जो स्केल होते हैं दोस्तों, उसको हम लाइकर्ट स्केल बोलते हैं और इसको सुमेटेड रेटिंग स्केल भी बोला जाता है। उसके बाद में दोस्तों नंबर 4 पे सिमेंटिक डिफरेंशिएट स्केल। सिमेंटिक डिफरेंशिएट स्केल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अनदर कॉमनली यूज स्केलिंग प्रोसीजर इज द सिमेंटिक डिफरेंशिएट टेक्निक एज ओरिजिनली कंसीव्ड बाय ऑसगुड सूची एंड टेनवम। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है हमारा कि सिमेंटिक डिफरेंशिएट स्केल किसके द्वारा विकसित किया गया है। ये हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 में आया था क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान में रखना। ऑसगुड सूची और टेनवम द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इसके अंदर क्या होता है, दिस टेक्निक इज यूज टू मेजर द मीनिंग एन आइटम हैज फॉर एन इंडिविजुअल। To use this technique, a name or concept is placed at the top of a series of 7-point scale anchored by bipolar attitude. इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी पर्सन है या किसी भी चीज़ है उसके बारे में हम अपनी राय व्यक्त करनी है, और वो राय दो मुख्य रूप से होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। उसमें हमें बताना कि हम उस व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव कितना सोचते हैं या फिर नेगेटिव सोच रहे हैं तो कितना सोच रहे हैं। तो इस तरह से इसमें स्केल विकसित किया जाता है, इसमें बाईपोलर एटीट्यूड होता है और इसमें 7 स्केल होते हैं, इसके अंदर 7 पॉइंट होते हैं स्केल में।
इसमें देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ कि टाइम्स मैगजीन है। अब टाइम्स मैगजीन जैसे आज तक न्यूज़पेपर है, सॉरी आज तक न्यूज़ चैनल है, दैनिक भास्कर है, तो उसके बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचना है। कई लोग सोचते हैं कि आज के जो न्यूज़ चैनल है वो बायस्ड हो गए हैं, उन पर फेक न्यूज़ दिखाई जाती है, सच्ची न्यूज़ नहीं आती, तो हम उसमें अपनी राय दे सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हम बता सकते हैं कि जो टाइम्स मैगजीन है वो कितनी बायस है। बायस में अब यहाँ पे हम अपनी राय दे सकते हैं, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे 3 नंबर पे हमने दे दिया तो वो कितना बायस है, उसको हमने नंबर दे दिया 3। इसी तरह से अगर हम उसको ये देखें कि वो ट्रस्टवर्थी कितनी है, वो विश्वास योग्य कितनी है, कोई भी चीज़ कितनी विश्वास योग्य है, तो हम इसमें इसी तरह से 7 डिसाइड करेंगे, 7 स्केल यहाँ पे डिसाइड कर दिए, और उसमें हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो हमें लगता है उसके बारे में वो हम राय दे सकते हैं। जैसे हमने 6 नंबर दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हम किसी चीज़ के बारे में कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं और कितना नेगेटिव सोच रहे हैं। तो इसको ट्रैक करने के लिए इस तरह के स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें भाई, तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि कैसे एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है हमारा दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, द सुमेटेड रेटिंग स्केल किसे कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड द सुमेटेड रेटिंग स्केल। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा। अभी हम पढ़ के आए इसका, क्या होगा, लाइकर्ट स्केल होगा। देखें क्या होगा, ये देखिए, ये देखिए लाइकर्ट स्केल, सुमेटेड रेटिंग स्केल ये है ना इसका, इट इज आल्सो कॉल्ड द सुमेटेड रेटिंग स्केल। तो दोस्तों इस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाइकर्ट स्केल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इसके अंदर देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट आइटम कैन बी अरेंज अलॉन्ग ए कंटिन्यूम इन सच ए वे दैट ए पर्सन हु एग्री विद एन आइटम और फाइंड एन आइटम एक्सेप्टेबल विल आल्सो एग्री विद और फाइंड एक्सेप्टेबल ऑल अदर आइटम। ये वही चीज़ है कि अगर व्यक्ति को इस तरह से हम स्टेटमेंट दें जिसमें वो कुछ स्टेटमेंट से सहमत है तो आगे आने वाले स्टेटमेंट से भी वो सहमत हो जाएगा, तो वहाँ पे किस तरह का हमारा स्केल यूज होगा, तो वहाँ पे होगा दोस्तों हमारा गुडमैन स्केल यूज होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया दोस्तों, सुमेटेड रेटिंग स्केल का ये लाइकर्ट स्केल था। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, ए स्केल दैट यूज सीरीज ऑफ 7 पॉइंट स्केल एंकर्ड बाय बाइपोलर एटीट्यूड, ऐसा कौन सा स्केल है जिसमें 7 पॉइंट स्केल का इस्तेमाल किया जाता है और बाइपोलर एटीट्यूड उसमें होता है, तो वो कौन सा होता है दोस्तों। सबसे लास्ट में हमने किया था स्केल, तो सबसे लास्ट में कौन सा किया था, सिमेंटिक डिफरेंशिएट स्केल हमने किया था। तो दोस्तों इस तरह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये देखिए, इट इज़ यूज्ड टू ट्रैक रिस्पोंडेंट बिहेवियर एटीट्यूड और फीलिंग टुवार्ड ए सब्जेक्ट। अब किसी सब्जेक्ट के बारे में हमें उसका किसी व्यक्ति का क्या बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है, क्या फीलिंग है, वो हमें ट्रैक करनी है, तो उसके लिए कौन से स्केल इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों थ्रेस्टोन स्केल इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये रहा हमारा थ्रेस्टोन स्केल, किसी भी व्यक्ति के बारे में बिहेवियर एटीट्यूड और फीलिंग अगर हमें ट्रैक करनी है तो उसके लिए थ्रेस्टोन स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं इसमें दोस्तों, और तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, स्केल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको स्टडी नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऐप निमिज नेट ज़रूर डाउनलोड करना, उसके अंदर आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे और हमारे स्टडी नोट्स भी और एड फ्री वीडियोज़ भी वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों एनटीए यूजीस नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर 1 पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर 2 पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर 3 पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर 4 पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे, जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर 5 पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं,
मिलेगी। हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर 6 पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर 7 पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्त लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू।